हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिया शरीर द फिजियोलॉजी। आज हम डीएलसी वैल्यू कैसे याद रखें इस बारे में देखेंगे। डीएलसी मींस डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ल्यूकोसाइट्स मींस डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी ये दो टाइप्स के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और अग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स के फिर से तीन टाइप्स होते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल। अग्रैनुलोसाइट्स के दो टाइप होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। WBC के ये जो पांच टाइप्स है उनकी ब्लड में परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है उसे DLC कहा जाता है। हमें न्यूट्रोफिल्स की तो वैल्यू पता होती है क्योंकि सबसे ज़्यादा वही होते हैं और वो है 60-75%। बाकी सेल्स की वैल्यू कैसे याद रखें इसके लिए आपको एक सेंटेंस याद रखना है, नेवर लेट मंकी ईट बनाना। N फॉर न्यूट्रोफिल, L फॉर लिम्फोसाइट्स, M फॉर मोनोसाइट्स, E फॉर इओसिनोफिल और बी फॉर बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की वैल्यू हमें पता है 60-75%। सबसे नीचे है बी मतलब बेसोफिल्स, इसलिए उसकी वैल्यू सबसे कम मतलब 0-1%। बाद में इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स के लिए क्या करना है, ई की डायरेक्शन चेंज करनी है, हो गए तीन तो इओसिनोफिल्स की वैल्यू है 3%। बाद में आता है मोनोसाइट्स, ठीक है, तो ई के ऊपर आ गया एम तो तीन को डबल कर दो तो हो गया 6, तो मोनोसाइट्स की वैल्यू है 6%। बाकी बचा लिम्फोसाइट्स, वो होते हैं अराउंड 20-25%। तो इस तरह से आप डीएलसी की नॉर्मल वैल्यूज याद रख सकते हो। इफ यू फाउंड दिस पोस्ट यूजफुल, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। फॉर मोर पोस्ट फॉलो क्रिया शरीर द फिजियोलॉजी।